साथियों, कल गांव-गांव जाकर विभिन्न सरपंचों, आरएलपी प्रमुख हनुमान बेनीवाल और कांग्रेस के प्रभार मंत्री विधानसभा क्षेत्र सुजानगढ़ ढूंगराम गेदर, खेमाराम जी बीजेपी प्रत्याशी, पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएससी के पूर्व चेयरमैन सीआर चौधरी से मुलाकात कर हम इस प्रकार विभिन्न कम से कम 10 सरपंचों के पास गए और उनका समर्थन लिया और उनको बताया कि यदि हमारी मांग नहीं मांगी तो आप हमारा समर्थन कीजिए। तो उन्होंने पुरजोर हमारा समर्थन किया, यदि आप की मांग नहीं मानी जाती है तो हम आपका पूरा समर्थन करेंगे। नमस्कार दोस्तों, ये देख लिए रात को भी हम इस सुजानगढ़ में आप सबके लिए प्रयास कर रहे हैं। ये देखो हम एक सरपंच साहब के पास जा रहे हैं सुजानगढ़ में साइन करवाने लेटर पे। आप सब लोग आ जाओ, अधिक से अधिक संख्या में हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। सुबह से निकले हुए हैं और कम से कम 10 सरपंचों से साइन करवा चुके हैं यहाँ के लोकल सुजानगढ़ के गांव गांव में जाके। ये देखिए हम 5-7 साथी यहाँ निकले हुए हैं सुबह के, तो आप अधिक से अधिक संख्या में पहुंचो। बता दे आप भी थाना काम अलवर से भाई साहब। मैं बोलो कुछ बोलना बैठो, आप यहाँ यहाँ बैठो, इधर आओ। निकल चुकी भर्ती में भी आए थे के लिए नई पद बढ़ेगी सरकार 21 जून 2019 को मुख्यमंत्री जी। देखो बिल्कुल मेरे पास नो थाने एक बता दू, ना कोई आर एल पी समान, ना कोई बीजेपी के समान, ना कोई बीजेपी, जितो जिसकी भैंस उसकी लाठी। समझ आज नीचे ठगार लिया तो गलत ना को कार न पड़ी आग दिखा मैं पक्की कर सका। बिल्कुल यहाँ निवेदन है की कुछ लागत भर्ती 2018 ईमानदार पता है सारी बातें बता और एक लड़की ने तो आत्महत्या भी की है, मीना था कौन थे, प्रेम मीना पोत्र पंचायत।
निकल चुकी में भी आए थे नई पद बढ़ेगी सरकार 25 जून 2019 को मुख्यमंत्री जी हो जिसकी भैंस उसकी लाठी आज ठगा लिया तो गलत ना को पड़ी आग दिखा पक्की कर सका।